Leader of the opposition, Ghulam Nabi Azad, while offering condolences for the Srinagar hospital attack, questioned why the Pakistani terrorist was taken to a general hospital instead of an army hospital. The Congress leader said the state government was solely responsible for this serious lapse in security. और कल उसको जब इलाज के लिए महाराजा हरि सिंह हॉस्पिटल में लाया और महाराजा हरि सिंह हॉस्पिटल कश्मीर का सबसे पुराना हॉस्पिटल है शहर के अंदर है मेडिकल कॉलेज भी उसी में है पुराना और सबसे बड़ा हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से 90s अर्ली 90s में ऐसी घटना हो सकती थी लेकिन पिछले 15-20 साल जब से हालात ठीक हो गए हैं तब से ये पहली घटना हुई है कि हॉस्पिटल से एक मिलिटेंट पाकिस्तानी ओरिजिन के मिलिटेंट को मिलिटेंट्स अगर छुड़ा के दिया जाए तो ये रिफ्लेक्ट ठीक तरह से गवर्नमेंट पर भी और सरकार पर नहीं करता और देश पर और देश के लिए भी अच्छा नहीं मैं खाली सरकार की बात नहीं करता हूं देश के अगर हमारे सबसे बड़े हॉस्पिटल गांव में हो सकता तो उसमें कहीं ना सरकार की राज्य सरकार की कमी रही क्या अगर वो इतने बड़े आतंकवादी को एलईटी को हॉस्पिटल में रहे हैं तो उसकी सुरक्षा के लिए तो पैरामिलिट्री आर्मी दूसरे लोग होने चाहिए सबसे पहले तो उसके इलाज के लिए उसको आर्मी हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए था जहां पेशेंट और उस पुलिस के बगैर कोई जा नहीं सकता था कंटोनमेंट में उसको ऐसी जगह क्यों लें जहां ओपीडी के लिए हजारों लोग आ जाते हैं और कोई धक्का देकर भी चला सकता है तो मैं समझता हूं कि ये देश के लिए राज्य के लिए सरकार के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है सरकार को सतर्क रहना चाहिए और इस तरह की घटना दोबारा न हो ये मैं चाहूंगा Lashkar-e-Toyba terrorists had staged a daring attack outside a hospital in Srinagar on Tuesday to free a Pakistani terrorist from custody, killing two policemen. Naveed Jutt, the LET terrorist from Pakistan who was caught in Kulgam in South Kashmir in 2014, managed to escape with the assailants. The ultras opened fire on the police party accompanying Jutt, alias Abu Hanzala, outside the hospital in Kakasarai area of the city. और कल की जो घटना हुई है, वो बहुत ही दुखद घटना है. पाकिस्तानी मिलिटेंट एलईटी के कमांडर नवीद जाट जो जून 2014 में एक जॉइंट ऑपरेशन में कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में पकड़ा गया था और जेल में था सेंट्रल जेल श्रीनगर